लालू प्रसाद यादव के वर्चुअल मीटिंग पर जेडीयू ने सवाल उठाया है, तो अब स्पीच आरजेडी ने भी जवाब दे दिया है जेडीयू को। आप सुनिए मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी 9 मई को 2 बजे दिन में आरजेडी के सभी माननीय विधायकों के साथ और जो पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे आरजेडी के, जिनको हराया गया, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भी उपस्थित रहेंगे। जी किस तरह से सरकार इस संकट काल में, आपदा के समय में, इस महामारी में फेल साबित हो रही है, डबल इंजन की सरकार का ऑक्सीजन खुद ही समाप्त हो गया है। ये जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है, चारों ओर त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है, कहीं कोई सुविधा सरकार जनता की मदद नहीं कर पा रही है। अस्पतालों में दवाई नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और कोई मांग भी नहीं कर रहा है राज्य सरकार, केंद्र सरकार से सहायता करें। कोर्ट ने फटकार लगाई है, माननीय उच्च न्यायालय ने, सेना के हवाले कर देना चाहिए, कड़ी फटकार सरकार को, मुंह पर करारा तमाचा मारा। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए अपने नेताओं को निर्देशित करेंगे कैसे लोगों को मदद किया जाए, सहायता किया जाए, इस आपदा के समय में लोगों के आंसू पोछे जाएं। इसमें भी विरोधियों को पेट में दर्द हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, असली पेट में दर्द विरोधियों को हो रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी मात्र वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित होंगे, इसी से उनके विरोधियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। उनको ये खतरा सता रहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के बाहर निकलने मात्र से ही बिहार की राजनीति की दशा और दिशा घूमने लगी है और बदलने लगी है। इसलिए बीजेपी जेडीयू में किस तरह से घमासान मचा हुआ है, आदरणीय लालू प्रसाद जी बड़े जन नेता है और जनता को इस तरह से भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। जनता को, बिहार के लोगों को सहायता और मदद कैसे पार्टी की ओर से किया जाए, इसके लिए वो अपने नेताओं को निर्देश देंगे, सलाह देंगे, राय मशविरा करेंगे। इसमें क्या बुराई है, क्यों दर्द हो रहा है लोगों को, चाहे जो जहां जाए, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता को इस समय मदद की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, वो अपने नेताओं से, अपने माननीय विधायकों से, अपने लोगों से पहुंचाएंगे, मदद करेंगे, इसके लिए किसी के पेट में दर्द हो तो हो। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि मीटिंग में चर्चा होगी किस तरीके से कोरोना से लोगों को बचाया जाए। अब जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बने रहे हेडलाइंस पीआर के साथ।